इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin cube a, साइन ऐसे cos 3 इक्वल्स टू 4 cos cube a माइनस 3 cos a, एंड tan 3 इक्वल्स टू 3 tan a माइनस 10 cube a 1 माइनस 3 tan square a। ठीक है, ये हमने कल प्रूफ्स किए थे फॉर्मूलेस के। हम इसके साथ के सम्स कर रहे थे कि जिसमें ये फॉर्मूलेस क्या होते हैं, यूज होते हैं और अप्लाई होते हैं। तो देखो जो हमारा सम है आज का वो क्या है, cos cube a प्लस cos cube 120 डिग्री प्लस a प्लस cos cube 240 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू 3/4 cos 3 a। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास cos क्यूब आ जाए, देखो जब हमारे पास cos स्क्वायर था तो हम cos स्क्वायर की वैल्यू cos 2a से निकाल रहे थे। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास cos क्यूब आ जाए तो हम cos क्यूब की वैल्यू cos 3a के फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, वी नो दैट कि cos 3a है जो आपका किसके इक्वल होता है, 4 cos cube a माइनस 3 cos a। तो यहाँ से जब हमने cos क्यूब ए की वैल्यू निकाली तो वो क्या आ गई, cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आपकी किसकी इक्वल आ गई, cos क्यूब ए। ठीक है, ये चीज इधर आके ऐड होगी और 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। तो अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, अब हम क्या करेंगे cos क्यूब की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है। अब देखो cos क्यूब ए की वैल्यू ये है तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। देखो 1/4 को हम ऐसे रख सकते हैं तो अंदर आ गया यहाँ पे cos 3a प्लस 3 cos a। ठीक है, अच्छा cos क्यूब 120 डिग्री प्लस a को कैसे लिखेंगे, अब जो आपका एंगल है वो ये है सारा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 cos 3a, वट इज ए, 120 डिग्री प्लस ए। ठीक है, साथ में प्लस 3 cos a, a क्या है यहाँ पे 120 डिग्री प्लस ए। ऐसे ही cos क्यूब 240 डिग्री प्लस a को हम कैसे लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका प्लस 1/4, हमने किसको लिखना है cos क्यूब 240 डिग्री प्लस ए। तो इसका फॉर्मूला वैसे 1/4 cos 3a एंड यहाँ पे आपका a क्या है 240 डिग्री प्लस a। ठीक है, साथ में प्लस 3 cos a, दैट इज 3 cos 240 डिग्री प्लस a। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये आपका जो 3 अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 360 डिग्री प्लस a, और यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये भी आपकी एज इट इज रहेगी। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, सॉल्व करके 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1/4 cos 360 डिग्री प्लस 3। ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया आपका और साथ में क्या है प्लस 3 cos a। अब ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 1/4 cos 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा आपका 720 डिग्री प्लस 3a और साथ में 3 cos 240 डिग्री प्लस a। अब देखो जो 1/4 है वो आपका सभी में है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, नहीं तो आप सभी के साथ भी लिख सकते हो और कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे cos, यहाँ पे देखो cos 360 डिग्री प्लस 3a, तो अगर हम इसमें क्वाड्रेंट्स बनाएं यहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 0 π/2 दैट इज 90, π 180, 3π/2 इज 270 एंड 2π इज 360। अब 360 में हम कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम 360 में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है, दैट इज cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे, 1/4 cos 3a प्लस 3 cos a, और ये देखो आपका क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका cos 360 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका थीटा एक तरह से। तो 360 में जब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ क्वाड्रेंट ही देखने होते हैं, अगर क्वाड्रेंट आपके पाई और 2π से आ रहे हैं, दैट इज इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 आ रहे हैं, तो आपकी वैल्यू वही रहती है सेम, cos का cos, sin का sin। अगर यहाँ पे है आपकी वैल्यू जैसे π/2 प्लस या 3π/2 के साथ है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 के साथ है, तो आपका साइन कॉज में चेंज होता है, कॉज साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो साइंस है वो आपने क्वाड्रेंट वाइज लेने हैं, जैसे हमने दिखाया था यहाँ पे
यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसिकेंट, यहाँ पे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, और यहाँ पे कॉस एंड सिकेंट। तो 360 डिग्री प्लस करके आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपका जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, कॉस 3e, दैट इज कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ये आपका एज इट इज पड़ा 120 डिग्री वाला। ठीक है, ओके, ये चीज आपकी चेंज तब होती है जब आपके पास 90 के मल्टीपल्स पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 90 के मल्टीपल्स होने चाहिए। सिमिलरली कॉस 720 देखो कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे 360 देखो 90 90 ऐड होता है, 0 90 180 270 360, फिर 90 90 ऐड होगा, फिर 90 ऐड होगा, तो 360 प्लस 360 720, दैट मीन्स 720 भी आपका यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 4π। ठीक है, तो अगर हम 720 भी कुछ ऐड करते हैं, यहीं पे आता है वो आपका, इसमें कुछ ऐड करेंगे, ये भी आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दैट इज कॉस 3, और साथ में क्या है, 3 कॉस, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1/4 cos 3 है, अगर हम 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 1/4 cos 3 है यहाँ पे भी है, 1/4 cos 3 है यहाँ पे भी है, 1/4 cos 3 है यहाँ पे भी है, तो ये बन गया, अगर हम इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 3/4 cos 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 3/4 cos A, 3/4 cos 120 डिग्री प्लस A, एंड यहाँ पे 3/4 cos 240 डिग्री प्लस A, तो 3/4 सभी के साथ आ रहा है, वो मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो अंदर रह गया आपके पास कॉस ए, यहाँ से रह जाएगा कॉस 120 डिग्री प्लस ए, और यहाँ से रह जाएगा कॉस 240 डिग्री प्लस ए। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस ए प्लस डी, यहाँ पे आपके जो एंगल्स है वो डिफरेंट है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये आपकी टर्म एज इट इज पड़ी है यहाँ पे, और कॉस ए भी आपका एज इट इज पड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 cos C + D बाई 2, और साथ में कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये एंगल है कॉस का, तो ये आपका एज इट इज पड़ है 3/4 cos 3। ठीक है, प्लस 3/4 यहाँ पे कॉस ए एज इट इज पड़ है, और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 240 डिग्री प्लस 120 इज 360, 360 प्लस 2a है ना, a प्लस a इज 2a, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 cos, यहाँ पे बनेगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा 360 डिग्री प्लस 2a, और नीचे 2 है, जब 2 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 180 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास a रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो 120 माइनस 240 इज a, तो आपका कैंसिल हो गया, 120 माइनस 240 इज माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास रह गया माइनस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका एज इट इज है, और यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस ए 2, अब देखो कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 में कुछ ऐड करते हैं तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कॉस ए। ठीक है, और कॉस 120 डिग्री हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, ये आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो हम ये आपका एक तरह से कॉस 120 डिग्री की वैल्यू है। अब कॉस 120 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, पीछे किया था कि कॉस 120 डिग्री है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ठीक है, तो 180 माइनस 60 इज 120, तो ये बन गया आपका 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 2 × -cos A, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था हमारे पास 120 + A - 240,
माइनस है, ठीक है। तो ये बन गया आपका -120। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी cos 60 की आ जाएगी, ठीक है। और देखो अब क्या है यहाँ पे, 3/4 cos 3a -3/4, और यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -of cos a, अब ये भी कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 3/4 cos 3a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, तो आपका ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे भी ऐसी है, क्या है हमारे पास, tan a + tan 60° + a -tan 60° - a = 3 tan 3a, हमने इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाई, वो क्या है आपकी tan a + tan 60° + a - tan 60° - a, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, अब देखो यहाँ पे हम tan a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आपका एज इट इज पर है। यहाँ पे हमने लगाया tan of a + b विच इज इक्वल्स टू tan a + tan b 1 - tan a tan b, ठीक है। यहाँ पे भी लगाया tan 60 - a, तो ये बन गया आपका tan a, अब यहाँ पे माइनस है तो tan - tan b 1 - tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास tan a है, और यहाँ पे tan 60, व्हाट इज tan 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, ठीक है। और tan a आपका एज इट इज है, और नीचे 1 - tan 60 इज √3, दैट इज √3 tan a, और यहाँ पे tan 60 इज √3, ठीक है। तो ये भी आपका ये आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो टेन ए हमारा एज इट इज पड़ है, यहाँ पे हमने क्या किया एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आपके पास क्या बन जाएगा, a - b a + b, या चलो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं ये, और इसका हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम ले लिया। और जब हमने एलसीएम लिया तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो जब आप इसको इसके साथ करोगे क्या बनेगा, √3 × 1 = √3, अच्छा √3 × √3 tan a दैट इज 3 tan a। अब tan a को करो, tan a को 1 के साथ किया +tan a, अब tan a को इसके साथ किया दैट इज √3 tan²a, ठीक है। अब उसके बाद इसको इसके साथ करो, माइनस हमने बाहर ही रखा हुआ है, अंदर देखो √3 × 1 = √3 एंड 1 × -tan a = -of tan a, ठीक है। अब √3 को 1 के साथ किया तो tan a को इसके साथ किया, अब √3 को इसके साथ किया क्या बनेगा, -of 3 tan a, ठीक है। अब इसको इसके साथ किया ये बन गया आपका -minus + √3 tan²a, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये बन गया आपके पास √3 + 3 tan a, देखो 3 tan a + tan a = 4 tan a, उसके बाद +√3 tan²a, अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ -√3 - -+tan a - -+3 tan a एंड -±√3 tan²a, ठीक है। नीचे आपके पास, अब नीचे देखो क्या बन गया, a - ba + b = a²-b², और ऊपर देखो ये कैंसिल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रह गया tan a plus, देखो 4 tan a + 5 + 3 = 8, तो ऊपर आपके पास रह गया 8 tan a / 1 - 3 tan²a, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया, दोबारा हम एलसीएम लेंगे सभी के साथ, तो हमने दोबारा एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, tan a - 3 tan³a + 8 tan a / 1 - 3 tan²a, ठीक है। तो ये बन गया आपका 8 tan a + tan a = 9 tan a -
थ्री टैन क्यूब ए, वन माइनस थ्री टैन स्क्वेयर ए। अब यहाँ से ऊपर से अगर हम थ्री कॉमन निकाल लें आपका, तो आपके पास क्या बनेगा, थ्री थ्री कॉमन निकाला तो थ्री टैन ए माइनस टैन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वेयर ए। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपका किसका फॉर्मूला है, टैन थ्री ए का। तो ये इक्वल आ गया आपका थ्री टैन थ्री ए, ये थ्री जो कॉमन वाला है, और ये जो वैल्यू है आपकी टैन थ्री ए की वैल्यू है, तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, थ्री टैन ए, दैट इज थ्री ए। ए आपका क्या है यहाँ पे, थ्री ए, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस फाइव ए इक्वल्स, अब कॉस फाइव ए को हमने इसके इक्वल प्रूव करना, सभी सम्स में आपके सिर्फ फॉर्मूले यूज होने हैं, ठीक है, इनमें सभी में फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, अब ध्यान से करना। हाँ जी, तो कॉस फाइव ए को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई कॉस फाइव ए, ठीक है। तो फाइव ए को हमने ऐसे तोड़ दिया कॉस थ्री ए प्लस टू, लिख सकते हैं इसको। हमने इसमें क्यों तोड़ा, बिकॉज हमारे पास कॉस थ्री ए का फॉर्मूला भी है और कॉस टू ए का फॉर्मूला भी है, ठीक है, इसलिए हमने थ्री और टू में तोड़ा, वन और फोर में नहीं तोड़ा। हाँ जी, अब देखो हमारे पास क्या है, कॉस थ्री ए प्लस कॉस टू ए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, प्लस वाले में माइनस होता है, साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे हम कॉस थ्री ए का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कॉस टू ए का, यहाँ पे साइन थ्री ए का, और यहाँ पे साइन टू ए का, फॉर्मूलेज अप्लाई करने और आपने उनको ध्यान से करना है। तो व्हाट इज कॉस थ्री ए, दैट इज फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, ठीक है। अच्छा, कॉस टू ए, हमने देखो सारी वैल्यूज हमें कॉस में चाहिए ना, तो हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस टू ए का, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। और व्हाट इज साइन थ्री ए, साइन थ्री ए हमने कहा था इसका वो होता है, जैसे यहाँ पे फोर वाली टर्म आ गई, यहाँ पे थ्री वाली टर्म आ गई, ये हो गया थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। एंड व्हाट इज साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। अभी हमने सारे क्या किए, फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद देखो इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ले लिया, आप इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो ये बनेगा आपका फोर टू का एट, दैट इज ये बन गया आपका एट कॉस फाइव ए, इसको वन के साथ किया माइनस फोर कॉस क्यूब ए, इसको इसके साथ किया माइनस सिक्स कॉस क्यूब ए, ठीक है, इसको इसके साथ किया प्लस थ्री कॉस ए। तो ये तो आ गई आपकी ए, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो साइन ए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि तो हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यूज कॉस में चाहिए, तो अगर हमारे पास साइन स्केयर बन जाए तो उसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास सिर्फ साइन है, ओनली साइन को हम कॉस में चेंज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ से साइन को कॉमन निकाला, तो आपके पास यहाँ पे रह गया वन माइनस फोर साइन स्केयर ए, और जो साइन हमने बाहर निकाला है वो हमने इसके साथ ले लिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, टू साइन ए इंटू साइन ए साइन स्केयर ए, और साथ में क्या है कॉस है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में, ठीक है। तो पहले तो आपके पास यही टर्म पड़ी है सारी, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास पड़ा है एट, हम क्या करते हैं पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसी को उठा के पहले हम क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पहले वाली तो हमारी सॉल्व होगी, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास है थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर ए, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर ए इंटू साथ में हमारे पास टू साइन स्क्वायर ए कॉस। हम इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो
हम इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें, या यहीं पे आप चेंज कर सकते हो, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे की 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, क्या बनेगा आपका 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे आपके पास बनेगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2 cos A 1 माइनस cos square A। ठीक है, तो आपके पास बन गया यहाँ पे 4 cos square A माइनस 1। देखो एक एक तो ये आ गया 2 cos A, एक आ गया यहाँ से 4 cos square A माइनस 1, और यहाँ से आ गया 1 माइनस cos square A। अब हम इन सबको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास एज इट इज पड़ा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, 4 इंटू 1 4 cos square A, इसको इसके साथ किया -4 cos 4A, इसको 1 के साथ किया +cos square A। तो ये आपकी जो वैल्यू है बन गई 2 cos A, 4 प्लस 1 इज 5 cos square A -cos 4A -1। ठीक है, दैट मीन्स ये अगर इसको अंदर ले जाएं तो ये बन गया आपका 10 cos cube A -8 cos 5A -2 cos A। ठीक है, ये सारी आ गई, और इसके पहले जो वैल्यू पड़ी थी हमारे पास वो क्या थी, ये इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया सारा। ठीक है, तो इसके बाद माइनस पड़ा है और ये वैल्यू सारी पड़ी है। यहाँ पे हमारे पास हो गया, अगर हम सभी को इकट्ठा कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन गई, 8 cos 5A -10 cos cube A +3 cos A। अब इसके बाद बीच में माइनस था, इसके पहले अगर माइनस आ जाए तो ये सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -10 cos cube A, और यहाँ पे माइनस माइनस +8 cos 5A, और यहाँ पे माइनस माइनस +2 cos A। तो ये बन गया आपका 8 cos 5A + 8 cos 5A = 16 cos raised to power 5A। यहाँ पे -10 cos cube A -10 cos cube A, this is equals to -20 cos cube A, और ये 3 cos A + 2 cos A which is equals to 5 cos A। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या किया हमने, एक तो हमने फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए, फॉर्मूलाज अप्लाई करके हमने क्या किया है, उनको सॉल्व किया, ब्रैकेट को ओपन किए और उनको सॉल्व किया। तो ये आपके कहते हैं फॉर्मुलेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए आपको अच्छे से फॉर्मुलेस आने चाहिए। अब हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर आपके पास, देखो अभी जो हमने 10th क्लास तक जो इक्वेशंस किए हैं वो किए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, क्यूबिक इक्वेशंस, तो ये चीज हमने की थी। अब हमने करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब तो हमें पता है कि जो एक्सप्रेशन इक्वालिटी साइन कंटेन करता है सच दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं ना। तो इक्वेशन तो आपको पता है कि ये चीज होती है कि जैसे हमारे पास है 2x - 3 = 5, तो यहाँ से ये आपकी इक्वेशन है कि यहाँ पे इक्वालिटी साइन है, और ये जो x की कोई भी जो वैल्यू है इसको क्या करी होगी, सेटिस्फाई करी होगी such that left hand side equals to right hand side हो जाता है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम उसको पुट करके देखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमने हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो जिस इक्वेशन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास अननोन एंगल्स आ जाएंगे, तो आपके क्या बन जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन Containing trigonometric functions या ratios of unknown angles are known as, उसको हम क्या बोलेंगे, trigonometric equations। ठीक है, जैसे
हमारे पास है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये देखो अब इसमें क्या है, इक्वालिटी साइन भी है तो ये इक्वेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं जो एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका एक्स है वो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू 4 आएगी, तो ये इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो ऐसे यहाँ पे द अननोन एंगल जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसे हम क्या बोल देंगे, सोल्यूशन, ठीक है। अब हमने देखने की सॉल्यूशंस हमने फाइंड कैसे करने, ये सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन में, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें होते हैं उस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए तो पहले आपको वो टेबल आना चाहिए, वो वैल्यूज का सारा टेबल है ना, एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि जो हमारे पास वैल्यूज थी, हमने देखना है कि ये फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या आती है, ठीक है। तो आपने ये 10th क्लास में किया हुआ है कि अगर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, तो इनकी वैल्यू 0 डिग्री पे, 30, 45, 60, 90, 270, 180, 180। तो हमें पता है कि ये साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 इज 1/2, 1/√2 है ना, तो साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। उसके बाद कॉस, अब इसका हम क्या कर देते हैं, इनवर्स पीछे से आगे शुरू कर देते हैं, ये वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। और टैन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस इज टैन, तो ये आपका बन जाता है 1/√3, ये 1, ये √3, और ये नॉट डिफाइंड है ना। ऐसे कोट का, इसका फिर पीछे से चलते हैं, ऐसे सिकेंड की जो वैल्यू है वो कॉस का रेसिप्रोकल होती है, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन गया √3/2, ये आ गया 2/√3, ये 1/√2, तो ये √2/1, ये 1/2 ते 2, तो ये 0 है, और ये बन जाएगी 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। कोसेकेंट है, चाहे आप साइन का रेसिप्रोकल कर दो, चाहे यहाँ से लिख लो, ठीक है। तो ये वैल्यूज की जरूरत क्यों है हमें, देखो हमने क्वाड्रेंट भी किए हैं, तो अगर हम क्वाड्रेंट वाइज देखें, यहाँ पे हमारे पास, अब देखो पहले देखो आप इक्वेशन, अगर हमारे पास, हमने ना सोल्यूशन निकालने हैं, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशंस मतलब वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि थीटा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम टेबल में देखें, साइन कहाँ पे 1/2 होता है, 30 पे, तो दैट मीन्स थीटा की 30 डिग्री वैल्यू इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इसका एंगल होगा वो क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है। पर ये जो साइन कॉस होते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेंट में किया है, ये हमने क्वाड्रेंट्स किए थे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है ना, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 360 है, फिर यहाँ पे क्या होता है 450, फिर यहाँ पे 540 है ना, फिर यहाँ पे 630, और फिर यहाँ पे 720। तो दैट मीन्स कि जो साइन की वैल्यूज हैं 0 पे, 2π पे, 4π पे, सभी पे क्या है, सेम है। ऐसी किसी भी की वैल्यूज देख लो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो वो 90 पे, दैट मीन्स π/2 पे। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम इसको रेडियंस में लिखे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 0, 2π, 4π, 6π। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको रेडियंस में लिखे, π/2, और ये आपका क्या बनेगा, π, ये बनेगा 3π/2, ये 2π, फिर ये बनेगा 5π/2, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑड मल्टीपल्स आते हैं, यहाँ पे आपके ऐसे, यहाँ पे क्या बनेगा फिर, अब पाई पहले 0 था, फिर पाई, फिर 2π, यहाँ पे क्या बनेगा फिर 3π, ऐसी 4π, देखो यहाँ पे है ना, 180 180 का अगर हम कर सकते हैं,
तो आगे यहाँ पे क्या बनेगा? अब ये बन गया आपका 3 पाई। 3 पाई में फिर पाई बाय 2 ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 पाई बाय 2। फिर यहाँ पे आपका 8 6 पाई बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे आपकी क्या है वैल्यूज वो होती जाती है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 0 पे, 360 पे, 720 पे, ये सारी वैल्यूज साइन की सेम आएंगी। 0 पे ऐसी कॉस की सारी वैल्यूज सेम आएंगी। मतलब एक एंगल पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, हम जनरल सॉल्यूशंस देखें कि हमारे पास एक वैल्यू नहीं आएगी। अब जो थीटा है पाई बाय 6 1/2 पे है, तो कहीं और भी ये 1/2 होगा, सिर्फ एक वैल्यू पे ये 1/2 नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशंस के करें जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशंस कैसे करने, देखो हम निकालेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि तो इसकी एक वैल्यू नहीं आती। जैसे यहाँ पे हम करते थे, हमारे पास एक्स की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करी है यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू 4, जिसके लिए ये 5 हो जाए, ठीक है। अब देखो अगर आपकी जो इक्वेशन है इस फॉर्म की है, किस फॉर्म की है, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो जो थीटा का जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे हमारे पास साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, साइन 0 पे 0, फिर साइन 180 पे 0 होगा। हाँ जी, ये वैल्यूज ना सेम आती है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होता है, जैसे क्वाड्रेंट का फर्क होता है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव। तो अगर हम साइन की वैल्यू देखें तो 0 पे 0, 90 पे क्या होती है 1, ऐसी 180 पे भी क्या होगी 0, और 270 पे क्या बनेगी ये -1, ठीक है। माइनस साइन लग जाता है, जैसे हम करते थे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज में क्या होता है नेगेटिव साइन लग जाता है। तो हम देखो, अब देखो आपकी जो साइन की वैल्यू 0 है वो सिर्फ 0 पे 0 नहीं है, 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, 3 पाई पे भी 0 है, फिर 4 पाई पे भी 0 है, फिर 5 पाई है ना, कितने सारे, मतलब सारी अगर हम देखें पाई के मल्टीपल्स में ये जीरोज बना रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका जनरल सोल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। और जो आपका एन है वो आपका क्या बन जाएगा, जेड को बिलोंग करेगा। जेड मीन्स इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों लेते हैं हम, क्योंकि हम नेगेटिव भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं। तो दैट मीन्स थीटा, जब आपकी इक्वेशन कैसी है साइन थीटा इक्वल टू 0, तो जो आपका एंगल है वो सिर्फ 0 के इक्वल नहीं होगा, कि साइन 0 पे ही 0 देता है। साइन कहाँ कहाँ 0 देता है आपको, एन को अगर हम इंटीजर्स पुट करने शुरू करें, 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो जब हमने 0 से स्टार्ट किया तो ये बनेगा 0, और अगर 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बनेगा पाई, 2 लिखेंगे 2 पाई, 3 लिखेंगे 3 पाई, ये तो पॉजिटिव हो गई, और अगर नेगेटिव लिखेंगे -पाई इक्वल्स टू -2 पाई, -3 पाई, सो ऑन। तो दैट मींस इसका जो जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू 0 का वो क्या है, एन पाई। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंगल है, जो आपका एंगल है वो सिर्फ 0 पे 0 नहीं है, पाई के पीरियड तक, मतलब पाई पाई के बाद ये 0 वैल्यू देता है, पहले 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जिस किसी पीरियड के बाद ये फिर अपनी सेम वैल्यू दे देते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये फंक्शंस, ये जो होते हैं, ये एक एक पॉइंट पे बहुत सारी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आपका साइन थीटा 0 है, तो वो कितने वैल्यूज पे 0 है, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे, एन पाई हो गया। अच्छा, अगर हमने ऐसे ही कॉस का देखना है, हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब जो कॉस है, यहाँ से देखो जो कॉस है वो कहाँ पे 0 होता है, 90 पे 0 होता है। दैट मीन्स पहले वो 90 पे 0 होगा, उसके सामने फिर देख लो, पहले वो 90 पे 0 होगा, फिर दैट मीन्स पहले पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर 5 पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर ये 7 पाई बाय 2 पे 0 होगा, ठीक है। तो अब जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, देखो पहले तो आएगी 90, है ना, फिर 3 पाई बाय 2 आएगी, फिर 5 पाई बाय 2 आएगी, सिमिलरली 7 पाई बाय 2 आएगी, फिर नेगेटिव में भी आएगी, दैट इज -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2, ठीक है। इन सभी पे ये 0 आएगा। अब इसकी हम जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अब आप देखो यहाँ पे जो नंबर है पाई बाय 2 के साथ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -1 -3, ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर की फॉर्म क्या होती है आपकी, 2n+1, ठीक है।
ऑड नंबर की फॉर्म क्या है, 12 + 1। तो यहाँ पे जो इसकी जनरल फॉर्म हम ऑड नंबर में क्या लिखेंगे, 2n + 1 × π/2। ये ऑड नंबर्स को हमने जनरल फॉर्म में क्या लिख दिया, 2n + 1। ओके, 2n आपका इवन होता है, इवन में अगर हम 1 ऐड कर दे वो आपका क्या बन जाता है, ओड हो जाता है। इवन की फॉर्म आपकी 2n होती है और ऑड की फॉर्म आपकी 2n + 1 होती है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारे इंटीजर्स आ रहे थे 0, 1, 2, तो हमने सीधा एन ले लिया। यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स है तो सिर्फ ऑड नंबर्स की फॉर्म ली है। और यहाँ पे भी आपका जो एन है वो किसको बिलोंग करेगा, जेड को। अब देखो अगर आप एन को 0 पुट करते हो तो ये आपकी फॉर्म क्या बन जाएगा, π/2। अगर 1 पुट करते हो 3π/2, ठीक है। अगर -1 पुट करते हो -π/2, अच्छा -2 पुट करते हो -3π/2। तो ये सारी वैल्यूज को क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। ऐसे हम इनके जनरल सॉल्यूशंस ये आपने याद रखने हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू एन पाई होगी, और अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू 2n + 1π/2 होगी। सिमिलरली अगर हम टैन थीटा की देखें, टैन थीटा इक्वल टू 0, तो टैन की भी देखो जो टैन है वो कहाँ पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, दैट मीन 0 के सामने पाई होता है। तो ये भी जैसे साइन है पहले 0 पे फिर पाई पे, ये भी आपका ऐसे ही 0 बनेगा जैसे साइन था आपका, ठीक है। तो टैन की वैल्यू भी क्या आएगी, क्या आएगी आपकी सेम आ जाएगी साइन के जैसे, तो ये भी आपकी जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एन पाई।